अभी मैंने इतना बोला ना, मैंने इतना कसम से मैंने इतना सब कुछ बोला ना, सब बेकार गया यार मेरा बोलने का यार। इस लॉट में वो पिन डाल रहा, ओ यार कसम यार टूट गया यार। सो गाइज अभी मैं ब्लॉग बना के आया भाई बुटोल की साइड, कसम से मैं अभी यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद क्या था भाई फाइल ही नहीं है, फाइल नॉट अवेलेबल है यार। ओह जिंदगी में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना गाइस जब यही होता है। मैं फिर जा रहा हूँ यार। गाइस अभी मैंने इतना बोला ना, मैंने इतना कसम से मैंने इतना सब कुछ बोला, मैं सब बेकार गया यार मेरा बोलने का यार। सो फिर दोबारा स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल पे, क्योंकि अभी जो मैंने जो भी कुछ बोला था वो सब बेकार चला गया है ना। इतना एक्साइटेड था मैं कि रिकॉर्ड हो रहा होगा, मेरे को लास्ट दुख लग रहा है उस बात से, है ना। और फिर मैं सामने आ चुका हूँ, हमारा पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ विजिबल होगा आपको थोड़ा बहुत। मैं अराउंड कम से कम 18-19 किलोमीटर आ गया, ठीक है भाई। ओ भाई इतना मैं पूरा रिकॉर्ड करके आया था भाई, 30-40-50 एक घंटे का ही रिकॉर्ड हो गया था, उसके बाद गया था फाइल नॉट अवेलेबल। सो गाइस कितना बुरा लगता होगा, है यही था ब्लॉगर की ज़िंदगी, बहुत पछतावा होता है। इसलिए पछतावा तो अब बहुत होता है, करीब भी कह सकते हैं दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपके लिए ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कि नहीं। सो गाइस मैं क्या कह रहा था ना, आप आज मैं आ रहा था, मतलब आज मैं आ रखा था थोड़ा घूमने के लिए, मतलब घूमने ही बोल सकते हो क्योंकि मैं घूमता ही रहता हूँ ऐसे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज सुबह ब्लॉग करने की इसलिए सोची क्योंकि मैं जिम से आ रहा था, तो मेरे को मौसम एकदम मस्त दिखा है ना। मौसम अब तुम्हारे भाई को मस्त दिखता है, तो तुम्हारा भाई हो आया है, मतलब क्या बोल गया, मतलब हो जा रहे हैं शुरू, मतलब हो ही जाता है ना शुरू भाई। मैं यार गाइस मेरे को एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया कि भाई वो क्वेश्चन ये था यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मतलब कि मैं ब्लॉग करूँ किस में, क्योंकि मेरे इंडिया वाले जो साथी और भाई और हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, वो भाई वो मेरे को क्या कहते हैं कि भाई तो यार हिंदी में बनाया कर यार, उतना समझ आवे तूने के बोले हैं के ना है, यही बोले हैं मेरे को सिर्फ। अब मैं भाई अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, है कि नहीं। अब मैं उन्हें बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, क्योंकि अब मेरे को यार बहुत फिर बाद में बुरा लगा है कि भाई ये भाई तो बोल रहे हैं यार हिंदी में बना यार, क्योंकि अब जब मैं हिंदी में बनाऊंगा तो भाई नेपाली वालों को उतना खास में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब नेपाली में बना रहा हूँ तो तीनों लाइन बूझे जाने के त्यौहार होता भाई रसंग बने को, अब तीनों लाइन योपनी बूझे जाने वाला, अरे ज्या खाते और ज्या उनके सब भाई अब बहुत तीनों तीनों भाई सके अब साथी उन साथी उन बनी करना पड़ता है ना। अब त्यो अब के गर्ने यार भाइ यार, मलाई लास्ट चाहिँ जेउला छ भन्नु न हजुरले कमेन्टमा के चाहनुहुन्छ। सब्सक्राइबर त हुनुहुन्छ नि मेरो नेपालीहरू, दाइहरू भाइहरू भाइ बहिनीहरू भाउजूहरू सबै दाइ भाइ जो पनि छन्, अब भनिदिनु न एकलट के छ र के भइहाल्छ र एकचोटि भन्नुमा के जान्छ र भनिदिनु न। ब्याक टु ब्याक ओ हिन्दीवाले मत काटियो तु भाई, तू वीडियो काट के निकल जाओ, फिर बोलेगा के बोल रहा है ये मेरे को खुद ना समझ आ रहा, ठीक है। हाँ अब सुन, हाँ मैं यही कह रहा था कि भाई प्रॉब्लम क्या आ गया भाई, मतलब अब तुम लोगों ने भाई मतलब इंडियन जो हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं उन्होंने बोला भाई कि भाई हिंदी में बनाए अगर हमको भी कुछ पल्ले पड़ जाओगे हैं उन्होंने भाई, मैं क्योंकि एक्सेंट में इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा फील हो, ठीक है भाई। अब बोलते तो पता नहीं कौन कौन से एक्सेंट में है कि नहीं भाई। ओ भाई मेरे को समझना अभी भाई, ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई ने एक बार क्या हुआ था, और बचपन में भाई हम ट्रिपलिंग करके घूमते थे भाई, बाइक में बहुत गंदे वाली। ओ भाई उस टाइम पे जब हम ट्रिपलिंग करके घूमते थे ना, ओ भाई बहुत मज़ा आता था भाई कसम से। ओ भाई वहाँ तक पढ़ते थे हमें बहुत गंदे वाले लठ, जब पकड़ लेता था पुलिस वाला, ठीक है भाई यहाँ पे तो कॉप्स बोले हैं वाले भी वहाँ पर बोले हैं कि भाई पुलिस वाला देख 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 सामने ठुल्ला खड़ा ऐसे बोले हैं भाई वहाँ पे हैं, तो मतलब एक्सेंट भी भाई बड़ी मज़ा आ गई, क्योंकि जब वो पुलिस वाला पकड़ ले हमें, ओ भाई जब उसके बाद हमें मारता, ओ हो 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 जो हमको दर्द होता तेरी कसम भाई, बहुत मार रहा था वो पुलिस वाला, ठीक है। ओ भाई मतलब मारता भी ऐसे था ना भाई, डंडे 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 भाई, मेरे को बहुत चाटे मारे भाई पुलिस वाले ने कसम से भाई, मेरे को मारा भाई उस बंदे ने भाई बहुत गंदा, हम तीनों को ही मारा भाई, हम तीनों एक बार जा रहे थे भाई एनसीसी की गेट से, जो वीडियो देख रहे हो ना उनको, हाँ हाँ बेटा याद है ना, हंसी बेटा मन मन में हंस रहा तू, हमको भाई याद होगा तो देख पता होगा तुम्हें कि भाई मतलब कि क्या मजे से यार, मतलब बहुत गंदा मारा भाई, हम तीनों ट्रिपलिंग करके जा रहे थे, मैंने सोचा भाई आगे बड़ी सड़क खड़ा वो रोक रहा पहले से हाथ मार रहा है मेरे, वो भाई मेरे हाथ में पहले से, तुम्हारा भाई कटिंग में एक्सपर्ट ही है, अभी देखना दिखाऊंगा तुम्हारा भाई कटिंग में एक्सपर्ट है,
है कि नहीं वो तुम्हारा, ये देखो तुम्हारा भाई कटिंग में एक्सपर्ट है कि नहीं। वो भाई ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारे भाई कटिंग मार दी भाई, बहुत गंदी वाली कटिंग मारी भाई, मतलब इतनी प्यारी वाली कटिंग मारी भाई उसने, क्यों करो भाई हाथ ऐसे मार दिया। तो भाई तुम्हारे भाई ने और झुका दी भाई, तीन बैठे हुए थे पहले से और तुम्हारा भाई भाई तीसरा बंदा, वो भाई बहुत गंदी कटिंग मारी भाई। उसके बाद क्या हुआ ना, कटिंग मारते मारते भाई तुम्हारा भाई गिरते गिरते बचा भाई, कसम से मुंडी फूट जाती भाई उस टाइम तो, हाथ टूट जाते मुंडी फूट जाती भाई, है कि नहीं यार, है कि नहीं भाई तुम्हें। वो भाई एनसीसी के गेट पे रोक लिया भाई, मेरे को लगा एक पुलिस वाले मैं कटा लूंगा, आगे गया तो भाई दो तीन और खड़े हो ले, मैंने सोचा भाई हो गया काम, चल बेटा हो गया काम, अब आगे निकल ले। वो भाई उस टाइम पे जो मेरी हालत खराब हुई मैं बता नहीं सकता भाई, इतनी गंदी हालत हुई थी, सोच लो बहुत गंदी हालत हुई क्या। मैं भाई बहुत मारा उस पुलिस वाले ने यार, बहुत दुख हो रहा है आज भी भाई उस पुलिस वाले को यार, मैं दुआ सलाम देता हूँ चाहूंगा, पता नहीं आज जिंदा होगा कि नहीं, बहुत सॉरी भगवान शुगर है। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते भाई उस पुलिस वाले ने हमें मारा भाई, ऐसी एक दो रेमेडी में एक बात पल्ले पड़ी कि भाई कभी भी तीन बंदे बिठा के ना चलाइए, ठीक है, क्योंकि जब तुम तीन बंदे बिठाते हो ना उस टाइम पर बहुत, अब यार क्या ही बोल, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई। अब यहाँ पे एक मैं पुल से एक वीडियो लूँगा, ठीक है, ये देखो गाइज चौराहा बोलते हैं इसे हमारा। सो गाइज यही है ना कैड़ा व्यू यहाँ का, हमारे बच्चा चौराहा, माँ यहाँ देखिए आ कोई ना गाइज, यहाँ पुगी सगे लास्ट भी जो गयो है ना, दिमाग पूरे हवा में कुन पारा में उड़ ही रहा है ना, मतलब यार मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कसम से यार, क्या ही बताऊँ अब मैं यार। मेरा जो ये गोप्रो था मतलब एक्शन कैमरा ही बोलो, गोप्रो तो बहुत महंगा मिलता है, और सो गाइस यार ये अब टूट गया है यार मेरे को लास्ट, मतलब टूटा तो नहीं यार इसका जो, मैं अभी क्या हो रहा था ना, मैंने मेरे फ़ोन में बैटरी लो गई थी है ना, ये देख सकते हो, तो फ़ोन में बैटरी लो गई थी, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इसमें भी लगा दिया जाए, इसमें भी लोई हो रही थी। ओ भाई प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जैसे ही स्लॉट में वो पिन डाल रहा, हो यार कसम यार टूट गया यार, वो पिन ही टूट गया, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तुम्हें यार, लास्ट दिमाग ख़राब हो गया यार गाइस यार कसम से यार, आज का सुबह ही मेरा बेकार चला गया, मतलब आज का जो मॉर्निंग जो मेरा सुबह का वो था वही मेरा बेकार चला गया यार गाइस, लास्ट मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है, पछतावा ही बोल सकते हो यार अब तुम इसे यार कसम से यार, पछतावा टाइप बोल सकते हो, क्योंकि अब यार जो होना था उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई, क्योंकि जो एक बार हो गया वो हो गया, ठीक है, एक बार जो हो गया वो हो गया, ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं यार, हो गया छोड़ दो अब यार, ये मेरे को पता चल गया किसकी वजह से। हो भाई तुम इंडिया वाले जितने भी हो ना, तुम दिल्ली से जो देख रहे हो भाई, किसी और को बुरा नहीं कह रहा भाई मैं, ठीक है भाई, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, बेटा तुमने नज़र लगाई होगी पक्का कह रहा हूँ मैं, सालों बहुत तेज हो तुम, हाँ बेटा मेरे को पागल बनवा दिया तुमने हिंदी में ब्लॉक कर, हिंदी में आज निकलना ही नहीं चाहिए था भाई मेरे को यार, अच्छा मौसम देखकर मेरे खुजली होली मैं निकल लिया, शिट यार कसम यार, लास्ट यार मेरे को लास्ट बहुत दर्द हो रहा है यार मेरे दिल में यार, कैसे यार कैसे मुमकिन है यार, ये लोग कहते हैं मेरा जिंदगी सफल होगा, मैं कहता हूँ मेरा जिंदगी पागल हो गया मैं यार कसम से यार। ओहो हो राहुल यार कसम यार तू पागल है यार, तुझे निकड़ना ही ना चाहिए था आज, निकड़ के कर दी तूने यार, मैं कैसे अभी जय कुटी आ गया, जय कुटी हम मैं वापस जा रहा हूँ यार, कहाँ आप मैं, इसमें बैटरी नहीं है अब इसको, आज फोन वाले की दुकान में दूंगा बनवाने के लिए, फोन वाले की दुकान में ही देना पड़ेगा, तो कर ही क्या सकता हूँ मैं यार, जई गुटी आ गया मेरे को तो, जही गुटी जही हो गया यार, जही गुटी जही हो गया यार, छी यार मेरा लास्ट मूड खराब हो गया गाइस कसम यार, मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया, अब मेरा मूड पूरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं बोलूँ क्या, मैं गाइस यार जल्दी यार एक अच्छा सा गोप्रो लूँगा यार, मैंने सोचा था ना कि हम क्या करते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कि स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन जो सफ़र होता है ना उसको तय ही नहीं करते, तो मैंने इसलिए सोचा था कि एक छोटा सा ही बेकार सा ही गोप्रो ले लूँगा, उससे मतलब अभी थोड़ा सा ही काम चला लूँगा, बाद में जब थोड़ा सीख जाऊँगा है ना, तब उस टाइम पे मैं थोड़ा एडवांस गोप्रो ले लूँगा। ओ भाई
मतलब इसी गोप्रो ने मेरे को इतना सब कुछ सिखा दिया, ठीक है भाई। अब मेरे को महंगा वाला तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी गोप्रो ने भाई मेरी बैंड बचा के रख दी, सोचो ना। हो कसम से यार, लास्ट मेरा लास्ट मूड खराब हो गया यार। मैं फिर भी हंस रहा हूँ, तो मैं लग रहा होगा अब यार कहाँ इसका मूड खराब होता, हंसता रहा है 24 घंटे ही होता। अरे भाई हंसने के पीछे फेस भी होते हैं, साइड फेस हो गए भाई हंसने के पीछे भी, ठीक है। हम भाई दुखी रह रहे हैं भाई, हम भी हंसने वाले बंदे भी दुखी रहते हैं। ये मत सोचे करो कि भाई वो जो बंदा हंसता रहे भाई उसे तो कोई गम ही ना, उसे तो कोई टेंशन ही ना, उसे तो भाई कोई प्रॉब्लम ही ना आ रहा है। भाई बहुत आ गया प्रॉब्लम हम पर, लेकिन हम उसको औरों के सामने देखो कर देते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं ना वही बात बहुत ज़्यादा चुभती है, समझ लिए। बहुत ज़्यादा चुभा है गाइस जब हम अकेले होते हैं, वही बात हमें अंदर ही अंदर खा रही होती है, लेकिन हम खुद नहीं जान पाते उस बात को जो हम तुमको बता सकें। इतने अभी हम प्रोफेशनल टाइप नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारी बात पे गौर करिए, तुम्हें सुकून ही मिलेगा। सो गाइस लाइफ में सीखते रहना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस हर चीज़ का लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम एक्सपीरियंस लेते हो ना तो तुम्हें एक मज़ा आता है। वो मज़ा क्या होता है कि तुम जहाँ पे फेल होते हो ये मत सोचे करो कि भाई यहाँ फेल हो गया, अब यार बहुत दुख भरा है, मतलब बहुत गा रहा है, छोड़ दो। नहीं, अगर ये तुमने करा ना तो भाई तुम समझ जाओ तुमने वो तुम्हारा पैशन ही नहीं है, तुम उसके कभी लायक थे ही नहीं, तो ये तुम समझ जाओ। इसलिए भाई जो चीज़ तुमने स्टार्ट करी है उसको एंड तक पहुँचो ना, क्यों तुम बीच में छोड़ने के सपने पहले ही देख लेते हो ना। तुम कभी भी ये मत देखो कि मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो मैं ऐसा हूँगा ऐसा हूँगा, नहीं। वहाँ पे जब तुम पहुँचोगे तो तुम कैसे होगे ये तुम्हें खुद भी नहीं पता होना चाहिए, समझ रहे हो। मेरे को भी इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। जब तुम अपने मकान पे जब तुम पहुँचोगे ना, उस टाइम पे तुम्हें खुद भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है भाई, समझ रहे हो। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि सिर्फ आज मैं क्या करूँ। तुमने अगर ये सोच लिया कि मैं बनने के बाद ये करूँगा भाई, वो करूँगा, पैसा कमाने के बाद ये करूँगा भाई, कुछ ना होने वाला, भाई पहले सोच लो। क्योंकि जो हमारी जो लाइफ होती है ना, जो हम चीज़ सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होती भाई, याद रख लिए बात। जो हम सोच के चलते हैं वो कभी पूरा नहीं होती, समझ रहे हो। इसलिए बिना सोचे एक्ट करो, रिएक्ट भी बिना सोचे करो। क्योंकि सक्सेसफुल बंदा जो होता ना वो कभी भी ये नहीं करता, जो सक्सेस के पीछे जो बंदा पागल होता है वो कभी भी ये नहीं करता कि हाँ यार इसे कल करूंगा। मतलब मानता हूँ उसका अलग ही रूटीन होगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं करता कि मैं इस काम को कल करूंगा। वो अगर सोच लेगा एक बार कि आज मुझे ये करना है, तो भैया उसे किसी का बाप ना रोक सके भाई, ठीक है। पूरा मत मानिए भाई, जो भी देख रहे हैं भाई, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है भाई, करने से। सही बता रहा हूँ मैं, अगर तुमने जो चीज़ आज करनी है वो तुमने आज कर ही लेनी है। ऐसा मानो कि तुम्हें कोई रोक ही ना पाए, तुम ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम्हें अगर कोई देख रहा है साइड से तो देखने दो, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कभी भी किसी को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, कभी भी किसी को मत देखो कि तुम बस ये सोचो कि तुम किस चीज़ में परफेक्ट हो। तुम जिस चीज़ में परफेक्ट होगे ना तुम्हें वही चूज़ करना। अगर तुम उसके अलावा कोई दूसरा करोगे ना भैया, तो भाई हाथ जुड़वा ले, मैं के कोई भी ना तुम्हारा कुछ ना कर सके। क्योंकि भाई ये लाइफ है, कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे अमीर बच्चे, अमीर फैमिली के बच्चे तो भाई मौज कर लेते हैं, लेकिन वही मिडिल क्लास वाले कूदते रहते हैं, समझ रहे हो भाई। जिंदगी ही कुछ ऐसी है यार, कहीं पे दुख है तो कहीं पे सुख है। भाई अभी हमें एक हमारे एक कंडक्टर भाई हैं जो हम नेपाली नाम जिसको खलासी बोलते हैं, वो भाई अभी मेरे को बहुत मजे से वो कर रहे थे, हाई कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। ऐसी सपोर्ट करते करो यार, मेरे को बहुत प्यारा लगता है यार तुम लोग, यार कसम से यार तुम यार फोटो व्लॉगर देख कर भाई, मैं अभी जब छोटा था ना मेरे को भाई बहुत खुशी होती थी, बस उसके बाद यार पड़े होगी मेरे को बनना ही बनना है। मेरे को आज भी बहुत खुशी होती है भाई जब मैं किसी बड़े फोटो व्लॉगर को देखता हूँ, ठीक है। तो भाई जब मैं देखा था उस बंदे ने यार हंसने लगा यार, उसके फेस पे अलग ही मुस्कान थी। मेरे को एक बंदा हिजा भी मिला था, कह रहा भाई मोटर ला करो, वो मैंने माने भाई मोटर ला करो भाई, मतलब उसके चेहरे पे जब खुशी थी ना, मतलब ऐसे ही होता है भाई, जब चेहरे पे जब खुशी आती है ना तो वो अलग से ही झलक जाती है। उसको कोई जो खुशी होती है ना, खुशी को कभी तुम खरीद नहीं सकते भाई, ना प्यार को खरीद सकते।
तू चाहे जितना भरपूर पैसा ले आओ, तुम अगर उससे ये बोलोगे मैं तेरे को करोड़ रुपए दूंगा और तुम मुझसे प्यार कर, भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम उसको चाहे करोड़ रुपए दे दो, वो तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकती। हाँ मान लिया कर लेगी, लेकिन भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, फील और इमोशंस। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे ना लड़के के लिए, तो भाई तुम चाहे जितना भी पैसा कमा के दे दो उसमें, उसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ ली बात? हाँ हाँ यही होता है भाई प्रॉब्लम। चाहे तुम उससे जितना मर्जी प्यार करो भाई, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भाई नहीं होता, समझ रहे हो? तुम खरीद नहीं सकते भाई उसके प्यार को कभी भी, ना इमोशंस को ना फील को। हाँ बताओ यार, मैं मेरी यही तो प्रॉब्लम है भाई साहब। मैं बात करते करते पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाता, मेरे को खुद नहीं पता भाई। मैंने अभी कम से कम 1.5-2 घंटे तो बोल ही लिया होगा उस टाइम पे, उस वाले ब्लॉग में, मतलब जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई उस टाइम पे। मैंने इतना सब कुछ बोला भाई, एंड में जाकर क्या बोलता है भाई, तुम्हारा जो वीडियो था वो रिकॉर्ड ही ना हुआ। ओ भाई जो मेरा मत्था खराब हुआ, ओ भाई बुद्धि सड़क की भाई कसम से यार, बहुत गंदी वाली बुद्धि सड़क की। सो गाइस मैं ये कह रहा था, आप बस मेरे को कमेंट करके बताओ है ना